नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन संसार में। दोस्तों, आज है रविवार का दिन, यानी कहानियों का दिन। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको सुनाऊंगा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी रसिया बालम। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। संसार को शांतिमय करने के लिए रजनी देवी ने अभी अपना अधिकार पूर्णतः प्राप्त नहीं किया है। सूर्य अभी अपने आधे बिंब को प्रतीचि में दिखा रहे हैं। केवल एक मनुष्य अर्बुदगिरी सुदृढ़ दुर्ग के नीचे एक झरने के तट पर बैठा हुआ उस अर्ध स्वर्ण पिंड की ओर देखता है और कभी कभी दुर्ग के ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता है, फिर कुछ गुनगुनाने लगता है। घंटों उसे वैसे ही बैठे बीत गए, कोई कार्य नहीं, केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना। अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमि पर पड़ी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ, परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं गया। वह तो केवल उस खिड़की के उस सुंदर मुख की ओर देखने की आशा से उसी ओर देखता रहा जिसने केवल एक बार उसे झलक दिखाकर मंत्रमुग्ध कर दिया था। बस अब तो यह केवल उसी को देखना चाहता था। इधर उस कागज में लिपटी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा खड़ा था उठाकर चलता हुआ धीरे धीरे रात की गंभीरता उस शैल प्रदेश में और भी गंभीर हो गई और झाड़ियों की ओट में तो अंधकार मूर्तिमान हो उठा। परंतु उस युवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं। जब तक उस खिड़की में प्रकाश था तब तक वह उसी ओर बिना पलक झपकाए देख रहा था और कभी कभी स्फुट स्वर से वही गुनगुनाहट उसके मुख से वनस्पतियों को सुनाई पड़ती थी। जब वह प्रकाश बिल्कुल न रहा तब वह उठा और समीप के झरने के तट से होते हुए उसी अंधकार में विलीन हो गया। सूर्य की पहली किरण ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना नहीं ज्ञात हुआ जितना कि उस युवक के शरीर स्पर्श से उन्हें हिलना पड़ा, जो कि कांटे और झाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा था। वह युवक फिर उसी खिड़की के सामने पहुंचा और जाकर अपने पूर्व परिचित शिलाखंड पर बैठ गया और पुनः वही क्रिया आरंभ हुई। धीरे धीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। युवक चौंक उठा और क्रोधित होकर बोला, कौन हो तुम? आगंतुक हंस पड़ा और बोला, भाई यही तो मेरा भी प्रश्न है कि तुम कौन हो और क्यों इस अंतःपुर की खिड़की के सामने बैठे हो और तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्यों इस खिड़की की ओर देखते रहते हो? युवक, मैं यहाँ घूमता हूँ और यही मेरा मकान है। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र, वह बात यह है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ठ में रहता है। मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को प्रसन्न करता हूँ। सैनिक, पर मित्र तुम नहीं जानते कि यह राजकीय अंतःपुर है, तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महाराज तुम्हें क्या समझेंगे? युवक, कुछ भी हो मेरा कुछ असत अभिप्राय नहीं है, मैं तो केवल सुंदर रूप का दर्शन ही निरंतर चाहता हूँ और यदि महाराज भी पूछें तो यही कहूँगा। सैनिक, तुम जिसे देखते हो वह स्वयं राजकुमारी है और तुम्हें कभी नहीं चाहती, अतएव तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। युवक, क्या वह राजकुमारी है? तो चिंता क्या, मुझे तो केवल देखना है, मैं बैठे बैठे देखा करूँगा, पर तुम्हें यह कैसे मालूम कि वह मुझे नहीं चाहती? सैनिक, प्रमाण चाहते हो? एक पत्र देकर, यह देखो। युवक उसे लेकर पढ़ता है, उसमें लिखा था, युवक तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत करते हो,
मैं तुमसे कदापि नहीं मिल सकती। क्यों महीनों से यहाँ बैठे बैठे अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर दया आती है, अतः तुमको सचेत करती हूँ, फिर कभी यहाँ मत बैठना। वही जिसे तुम देखा करते हो। युवक कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया। सैनिक सामने खड़ा था। अकस्मात युवक उठकर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़कर बोला, मित्र, तुम हमारा कुछ उपकार कर सकते हो? यदि करो तो कुछ विशेष परिश्रम ना होगा। सैनिक, कहो क्या है? यदि हो सकेगा तो अवश्य करूँगा। तत्काल उस युवक ने अपनी उंगली एक पत्थर से कुचल दी और अपने फटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़ कर तिनका लेकर उसी रक्त से टुकड़े पर कुछ लिखा और उस सैनिक के हाथ में देकर कहा, यदि हम ना रहें तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना, बस और कुछ नहीं कहना। इतना कहकर युवक ने पहाड़ी पर से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, सुनो भाई रसिया, ठहरो। युवक अवाक हो गया क्योंकि अब 5 प्रहरी सैनिक के सामने सिर झुकाए खड़े थे और पूर्व सैनिक स्वयं अर्बुदगिर के महाराज थे। महाराज आगे हुए और सैनिकों के बीच में रसिया। सब सिंह द्वार की ओर चले। किले के भीतर पहुंचकर रसिया को साथ में लिए हुए महाराज एक प्रकोष्ठ में पहुंचे। महाराज ने प्रहरी को आज्ञा दी कि महारानी और राजकुमारी को बुला लावे। वह प्रणाम करके चला गया। महाराज, क्यों बलवंत सिंह, तुमने अपनी यह क्या दशा बना रखी है? रसिया चौंक कर, महाराज को मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? महाराज, बलवंत, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी जानता हूँ। रसिया चुप हो गया। इतने में महारानी भी राजकुमारी को साथ लिए हुए आ गईं। महारानी ने प्रणाम कर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज, बैठो, कुछ विशेष बात है, सुनो और ध्यान से उसका उत्तर दो। यह युवक जो तुम्हारे सामने बैठा है एक उत्तम क्षत्रिय कुल का है और मैं इसे जानता हूँ। यह हमारी राजकुमारी के प्रणय का भिखारी है। मेरी इच्छा है कि इससे उसका ब्याह हो जाए। राजकुमारी, जिसने कि आते ही युवक को देख लिया था और संकुचित होकर इस समय महारानी के पीछे खड़ी थी, यह सुनकर और भी संकुचित हुई। पर महारानी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह कड़े स्वर में बोली, क्या आपको खोजते खोजते मेरी कुसुम कुमारी कन्या के लिए यही वर मिला है? वाह, अच्छा जोड़ मिलाया, कंगाल और उसके लिए हमारी निधि, बंदर और उसके गले में हार, भला यह कहाँ संभव है? आप शीघ्र अपने भ्रांति रोग की दवा करा डालिए। यह भी कैसा परिहास है। कन्या से, चलो बेटी यहाँ से चलो। महाराज, नहीं, ठहरो, सुनो, यह स्थिर हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा, तुम इसे परिहास मत जानो। अब जो महारानी ने महाराज के मुख की ओर देखा तो वह दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़े। निदान विचलित होकर महारानी ने कहा, अच्छा, मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी, मैं भी मान जाऊंगी, पर इस शर्त पर कि जब यह पुरुष अपने बाहुबल से उस झरने के समीप से नीचे तक एक पहाड़ी रास्ता काटकर बना ले, उसके लिए समय अभी से केवल प्रातःकाल तक का देती हूँ, जब तक कि मुर्गे का स्वर ना सुनाई पड़े, तब अवश्य मैं भी राजकुमारी का ब्याह इससे कर दूंगी। महाराज ने युवक की ओर देखा जो निस्तब्ध बैठा हुआ सुन रहा था। वह उसी क्षण उठा और बोला, मैं प्रस्तुत हूँ, पर कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़े विष की आवश्यकता है। उसकी आज्ञा अनुसार सब वस्तुएं मिल गई और वह शीघ्रता से उसी झरने के तट की ओर दौड़ा और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया।
और उसे तोड़ने का उद्योग करने लगा, क्योंकि इसी के नीचे से एक गुप्त पहाड़ी पथ था। रात का अंधकार कानन प्रदेश में पूरा अपना अधिकार जमाए हुए है। प्रायः आधी रात बीत चुकी है, पर केवल उन अग्नि स्फुल्लिंगों से कभी कभी थोड़ा सा जुगनू का सा प्रकाश हो जाता है, जो कि रसिया के सस्त पहाड़ से पत्थर में से निकल पड़ते हैं। दनादन चोट चली जा रही है, विराम नहीं है, क्षण भर भी ना तो उस शैल को और ना ही उस शस्त्र को। अलौकिक शक्ति से वह युवक अविराम चोट लगाए ही जा रहा है, एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखता। देखता है तो केवल अपना हाथ और पत्थर। उंगली एक तो पहले ही कुचली जा चुकी थी, दूसरा लगातार परिश्रम, इससे रक्त बहने लगा था, पर विश्राम कहाँ। उस वज्रसार शैल पर वज्र के समान कर से वह युवक चोट लगाए ही जाता है। केवल परिश्रम ही नहीं, युवक सफल भी हो रहा है। उसकी एक एक चोट में 10-10 शेर के ढोके कट कट कर पहाड़ से पर से लुढ़कते हैं, जो सोए हुए जंगली पशुओं को घबरा देते हैं। यह क्या है, केवल उसकी तन्मयता, केवल प्रेम ही तो उसको उस पत्थर को तोड़े डालता है। फिर वही दनादन, बराबर लगातार परिश्रम, विराम नहीं है। इधर उस खिड़की में से प्रकाश भी निकल रहा है, और कभी कभी एक मुखड़ा उस खिड़की से झांक कर देख रहा है, पर युवक को कुछ ध्यान नहीं, वह अपना केवल काम कर रहा है। अभी रात्रि के जाने के लिए पहर भर है, शीतल वायु उस कानन को शीतल कर रही है। अकस्मात मुर्गे का कंठनाद सुनाई पड़ा, फिर कुछ नहीं, वह कानन एकाएक शून्य हो गया। ना तो वह शब्द ही है, और ना तो पत्थरों से अग्नि स्फुल्लिंग निकलते हैं। अकस्मात उस खिड़की में से एक सुंदर मुख निकला, उसने आलोक डालकर देखा कि रसिया एक पात्र हाथ में लिए है और कुछ कह रहा है। इसके उपरांत वह उस पात्र को पी गया, और थोड़ी देर में वह उसी शिलाखंड पर गिर पड़ा। यह देख उस मुख से भी एक हल्का चीत्कार निकल गया, खिड़की बंद हो गई, फिर केवल अंधकार रह गया। प्रभात का मलय मारुत उस अर्बुदगीर के कानन में वैसी क्रीड़ा नहीं कर रहा है जैसी पहले करता था। दिवाकर की किरण भी कुछ प्रभात के मिस से मंद और मलिन हो रही है। 100 के समीप एक पुरुष खड़ा है, और उसकी आँखों से अश्रुधारा बह रही है। वह कह रहा है, बलवंत ऐसी शीघ्रता क्या थी जो तुमने ऐसा किया। यह अर्बुदगिर का प्रदेश तो कुछ समय में यह वृद्ध तुम्ही को दे देता, और तुम उसमें चाहे जिस स्थान पर अच्छे पर्यंक पर सोते, फिर ऐसे क्यों पड़े हो। वत्स उठो, यह तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी, यह तुमने क्या किया, उठो। इतने में एक सुंदरी विमुक्त कुंतला, जो कि स्वयं राजकुमारी थी, दौड़ी हुई आई और उस शव को देखकर ठिठक गई। नतजान होकर उस पुरुष का, जो कि महाराज थे और जिसे एक समय तक राजकुमारी पहचान न सकी थी, चरण धर कर बोली, महात्मन, क्या व्यक्ति ने जो यहाँ पड़ा है मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है या कुछ कहा है। महाराज ने चुपचाप अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। उस सुंदरी ने उसे देखा और देखकर कहा, कृपया आप ही पढ़ दीजिए। महाराज ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी निठुर हो, अस्तु अब मैं यही रहूँगा, पर याद रखना मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा,
क्योंकि मैं तुम्हें नित्य देखना चाहता हूँ, रोज देखना चाहता हूँ, और ऐसे स्थान में देखूँगा जहाँ कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शनाभिलाषी रसिया। इसी समय महाराज को सुंदरी पहचान गई और फिर चरण धर कर बोली, पिताजी क्षमा करना। और शीघ्रतापूर्वक रसिया के हाथ स्थित पात्र को लेकर जो शेष विष था पी गई और गिर पड़ी। केवल उसके मुख से इतना निकला, पिताजी माफ करना। महाराज देख रहे थे, लेकिन यहाँ यह बताना उचित होगा कि वह मुर्गे का शब्द नहीं था, बल्कि छद्म वेशनी महारानी का था। यही छलिया महारानी जो कि बलवंत सिंह ऐसे दीन व्यक्ति से अपनी कुसुम कुमारी के विवाह की अभिलाषा नहीं रखती थी। किंतु इन सभी चीज़ों से महाराज अभी तक अनभिज्ञ थे। बस यही थी आज की कहानी। तो कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।